शेयर्स को बेचना है। यस, इफ यू वांट टू बाय योर ओल्ड शेयर्स और यू वांट टू बाय द सेकेंड हैंड शेयर्स ऑफ एनी अदर कंपनी फॉर बोथ द एक्टिविटीज दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाट स्टेप्स आर पर्सन शुड टेक, how to deal at stock exchange or we call it trading procedure at stock exchange, right? You as the member of public or me as the member of public are not familiar with the working of stock exchange, so we want an intermediation in between and that intermediation is usually by the broker. Hamara pehla step yahi se start hota hai ki you need to appoint a SEBI registered broker. आपको हर जने खने को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, स्टॉक एक्सचेंज में वही ब्रोकर डील कर सकता है जिसकी सेबी के पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, मींस ही और शी इज ऑथराइज्ड टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज। सो दैट डे मैम स्टार्टेड दिस टॉपिक, वी विल अगेन बी पिकिंग इट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज। सो लेट्स स्टार्ट विद यस, फर्स्ट स्टेप ही हमारा यही है बेटे, एनसीईआरटी में ऐसे पैराग्राफ्स में नहीं दिया हुआ, सो आई विल बी टेलिंग यू द स्टेप्स, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन वी विल डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट है यही सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले आपको एक ब्रोकर अपॉइंट करना है, आपको उस ब्रोकर को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, डू यू वॉन्ट टू सेल और डू यू वॉन्ट टू बाय द शेयर्स, ठीक है। So I am reading whatever he is writing over here. If an investor, I shared with you a people PDF comprising the notes of this chapter. It will help you a lot to learn the concept. कई बार जब हम पहली बार NCERT पढ़ते हैं तो we are not able to get. So you will be having the PDF in front of you. आप वहाँ से simple language में पढ़िए. You will have an idea that how the concepts can be elaborated. Done. If you want to buy or sell, you have to approach to the broker, registered broker ke paas hi jana hai, or sub broker means uske assistant ke paas you can go and you have to enter an agreement with him. Wo aapki oral baat pe yakeen nahi karta bhai, uske paas ek application form hota hai, us application form pe aap sign karoge aur aap is baat ko agree karoge that yes, I am having a dealing with this broker. Mera is broker ke saath agreement hua hai aur isko maine ye order place kiya hai. ठीक, तो आपका अपने ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रूफ चाहता है हमारा वो ब्रोकर, तो आप उसके साथ एग्रीमेंट साइन करते हो, उसे बोलेंगे ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, ब्रोकर और क्लाइंट, क्योंकि बाद में हो सकता है क्लाइंट डिनाई कर दे कि मैंने तो कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं, और ऑरल बात का कभी कोई प्रूफ नहीं रहता, सो दैट्स वाई वो पेपर की फॉर्म में आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म, आपसे एक एग्रीमेंट क्या करता है, साइन करवाने करने को बोलता है, एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक, दैट क्लाइंट गेट्स रजिस्टर्ड विद द ब्रोकर, ब्रोकर इज बीइंग रजिस्टर्ड विद द सेबी और क्लाइंट उस ब्रोकर के साथ एग्रीमेंट करता है, और एग्रीमेंट होने के बाद क्लाइंट को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी साइन करना होता है बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज। जब आप ये वाले फॉर्म साइन करते हो, ब्रोकर आपसे कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड करता है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया, व्हाट इज मैंडेटरी, हाँ शेयर खरीदने से के लिए या बेचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको अपना पैन नंबर बताना है, एंड दिस इज मैंडेटरी, पैन मींस परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या होता है, इश्यू होता है, अगर आपके पास पैन नहीं है आप शेयर्स बेच या खरीद नहीं सकते, इट इज मैंडेटरी। देन डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस बताना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस मींस आप NRI हो, फॉरेन के हो या इंडियन हो, देन बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होनी है, जब आपने शेयर बेचने हैं तो आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं, जब आपने खरीदने हैं तो आपके अकाउंट में से माइनस होने हैं पैसे और सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, सो बैंक की डिटेल भी आपको आपसे पूछता है आपका ब्रोकर। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, एक बात याद रखना बेटे, DP वी विल बी यूजिंग दिस टर्म व्हाइल एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर, वी विल बी कॉलिंग हिम DP का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक ऐसी पार्टी है जो डिपॉजिटरी के पास आपका डीमैट अकाउंट खुलवाती है,
What is the meaning of demat account? This account is basically meant to store your shares or debentures being purchased by you. इस अकाउंट में आपके जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं ऐड होते जाते हैं और जितने आप बेचते हो उसमें से माइनस हो जाते हैं. हमारे इंडिया में दो ही डिपॉजिटरीज ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में पब्लिक का डीमैट अकाउंट खोलते हैं. और क्योंकि आप उन इंस्टीट्यूशंस के पास डायरेक्टली नहीं जा पाते, यू टेक द हेल्प ऑफ योर डीपी. डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और आमतौर पर वो आपका अपना बैंक होता है. जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक को रिक्वेस्ट बोलते हो, करते हो कि मेरा डीमैट अकाउंट खुलवा दो, तो बैंक बीच में इंटरमीडिएशन करके उस डिपॉजिटरी के पास आपका डीमैट अकाउंट खुलवाता है. तो अगर आपका डीमैट अकाउंट पहले से खुला हुआ है तो आपने ब्रोकर को उसके बारे में बताना है. क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे आपने एग्रीमेंट किया फिर आपने क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, उसमें जो नंबर है फॉर्म के ऊपर लिखा है वो भी आपसे पूछता है. सो ब्रोकर कैन ऑल्सो बी द डीपी भाई. ब्रोकर, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला तो ब्रोकर भी आपका डीमेट अकाउंट खुलवा देता है. ठीक है, अगला स्टेप भी क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर के बाद आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, आप ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट. अभी मैंने बता ही दिया डीमेट अकाउंट, शेयर्स की सेल और परचेस आजकल पेपरलेस है भाई. पेपर की फॉर्म में आपके घर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होना, जितने भी शेयर्स आप खरीद रहे हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में ही जाके जुड़ने हैं, मींस प्लस होने हैं. अगर आप कोई पुराने शेयर बेच रहे हो तो डीमैट अकाउंट में से ही माइनस होने हैं. लेकिन सबसे पहली नेसेसिटी क्या है, अगर आप पहली बार कोई शेयर बेचने या खरीदने निकले हो तो उस केस में आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है. ठीक, डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म. इट मस्ट ऑल्सो हैव अ बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए आपका जिसमें कैश की सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, और एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए हमारे इन्वेस्टर का. यस, आई वॉन्टेड टू टेल यू, हमारे इंडिया में दो ही डिपॉजिटरीज हैं जो ये डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए. NSDL, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. देन वी हैव CDSL, दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. आई एम रिपीटिंग, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड. आपका बैंक इन दोनों में से किसी के पास एप्लीकेशन भेज के आपके नाम के ऊपर आपका डीमैट अकाउंट खोल देता है. दैट इज द सेकेंड स्टेप, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट. Then third step we have placing an order. दोनों main वाली formalities आपकी fulfill हो गई. अब आप अपने broker के पास अपना order place करते हो. वो order shares खरीदने का भी हो सकता है, shares बेचने का भी हो सकता है. साथ में आप उसे price भी, tentative price भी बताते हो कि मैं इतने में share बेचना चाहता हूँ या मैं इतने price पे share इस company के खरीदना चाहता हूँ. So you please help me for it. ठीक है, अब आपका ब्रोकर आपके कहे के अकॉर्डिंग ही विल बी सर्चिंग. अगर आपने बेचने हैं तो ही विल बी सर्चिंग अ बायर जो आपके बताए हुए रेट के ऊपर शेयर्स खरीदने को तैयार हो. इफ यू वांट टू सेल तो वो आपके लिए एक ऐसा सेलर ढूंढेगा जिस प्राइस पे आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं. तो ही विल बी लाइक मैचिंग योर रिक्वायरमेंट विद अदर पर्सन्स रिक्वायरमेंट. दोनों जहां पे मैच होंगे वहां पे वो डील पक्की करने को बोलेगा. लेकिन डील फाइनलाइज करने से पहले वो अपने क्लाइंट की परमिशन जरूर लेगा कि व्हाटएवर यू वांटेड, ठीक है, आई गॉट दैट पर्सन, और वो इतने प्राइस पे खरीदने या बेचने के लिए क्या है, शेयर्स तैयार है. सो दिस इज प्लेसिंग एन ऑर्डर. द इन्वेस्टर देन प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर. क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी गिवन. क्या इंस्ट्रक्शंस में बताएगा क्लाइंट ब्रोकर को, नंबर ऑफ शेयर्स, किस प्राइस पे वो खरीदना और बेचना चाहता है. अगला स्टेप मैंने बता ही दिया. फोर्थ, मैच द ऑर्डर. मैच कौन करेगा? अब हमारा जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज के दूसरे ब्रोकर्स को भी जानता है, और सबके कंप्यूटर्स स्टॉक एक्सचेंज के मास्टर कंप्यूटर टर्मिनल के साथ क्या है, अटैच्ड है. तो वो अपनी रिक्वेस्ट वहां पे पुट करता है, तो मैचिंग वाले सारे जो ऑप्शंस है उसकी स्क्रीन पे खुलने शुरू हो जाते हैं. देन ही टेल्स हिज क्लाइंट कि हाँ, जितने पे आप खरीदना या बेचना चाहते थे हमें वैसा दूसरी तरफ से मैच मिल गया है. शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट, वो अपने क्लाइंट से पूछता है इसके बारे में.
फिर अगला स्टेप है मैच द ऑर्डर, जब हो गया उसने अपने क्लाइंट को बताया, नाउ आगे प्रोसीड करने से पहले वो अपने क्लाइंट से ओके की कमांड चाहता है और वो उस ऑर्डर को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। किसका ऑर्डर, किसने किसको दिया था, क्लाइंट ने ब्रोकर को जो ऑर्डर दिया था। When the shares can be bought or sold at a price mentioned, it will be communicated to the broker's terminal. जिस प्राइस पे खरीदना और बेचना चाहता था हमारा ब्रोकर, वो उस तक मैसेज पहुंच जाएगा। The order will be executed electronically. Online ही ये सारा कुछ होगा। The broker will issue a trade confirmation slip to the investor. वो अपने क्लाइंट को ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप भेजेगा, बाय मेल भेजेगा कि जो आप खरीदना या बेचना चाहते थे, that has been done. इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, अगला स्टेप है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। ब्रोकर ही ये नोट इशू करेगा भाई। आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशूज अ कॉन्ट्रैक्ट नोट और इसमें अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये उसे एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर मिलता है और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर प्रिंट होता है और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट अपने क्लाइंट को भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होता है, डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बॉट और सोल्ड, ये स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से इशू होता है, प्राइस कौन सी है, डेट क्या है, टाइम ऑफ डील क्या था और ब्रोकरेज चार्जेस, मीन्स ब्रोकर अपनी मनचाही कमीशन नहीं चार्ज कर सकते, जो स्टॉक एक्सचेंज ने परमिट करी है वही कमीशन वो आपसे चार्ज करेगा और वो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में प्रिंट होके आएगी ऑटोमेटिकली। This is an important document as it is legally enforceable and helps to settle disputes or claims between investors and the broker. बाद में investor कभी deny नहीं कर सकता कि मैंने तो order place किया ही नहीं था, हमने हर point पे उससे confirmation मांगी और जब end में deal पक्की हो गई हम लोगों ने उसे वो contract note भी send किया, तो बाद में broker को उसको commission देनी ही होगी, तभी shares की फॉर्मली और लीगली क्या होगा, ट्रांसफर होगा, डिलीवर, यस। कमीशन की पेमेंट के बारे में हमने क्लाइंट को बता दिया है। नाउ द टाइम हैज कम कि आपने अगर शेयर बेचने हैं तो आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे, अगर आपने खरीदने हैं तो शेयर्स आप तक डिलीवर हो जाएंगे। सो अगला पॉइंट उसने क्या बनाया, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड और पेमेंट ऑफ शेयर्स बॉट। अगर आपने खरीदा है तो आप पेमेंट करोगे पहले, फिर आपको शेयर्स मिलेंगे, अगर आपने बेचे हैं तो आप शेयर्स ट्रांसफर करोगे फिर आपको पैसा मिलेगा। तो अगला पॉइंट उसने कंबाइंड बना दिया, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड स्लैश डाल के और ऑब्लिक डाल के पेमेंट फॉर शेयर्स बोट, फॉर शेयर्स बॉट, जो आपने खरीदे हैं उसकी पेमेंट करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है, इट मे कंप्राइज द सेल और परचेज ऑफ शेयर्स, तो दोनों तरह से उसने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश, अगर आपने खरीदे हैं तो आप पेमेंट करोगे, दिस शुड बी डन इमीडिएटली, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया है, और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक द पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। This is called pay in day. Pay in day means जब payment होती है, ठीक है, shares transfer होते हैं और उधर से payment मिलेगी और अगर आपने खरीदे हैं तो payment आप खुद करोगे। Settlement of deal, last point, eighth. Settlement of deal. कौन सी deal भाई, sale and purchase of shares की। Cash is paid or securities is delivered to the stock exchange by the broker on pay in day. पे इन डे वही होता है जब पेमेंट होती है और अल्टीमेटली शेयर्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर, विच इज बिफोर द टी प्लस डे, टी प्लस टू, टी वर्ड सेटलमेंट की टी से लिया गया है, ठीक है। जिस दिन आपके ये शेयर्स ट्रांसफर हुए और पेमेंट हो गई उसके आने वाले दो दिन के बीच बीच डील को आपने क्या करना है, फाइनलाइज करना है, एज द डील हैज टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज ऑन टी प्लस टू डे, दो दिन से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं लगना चाहिए। द सेटलमेंट साइकिल इज ऑन टी प्लस टू डे ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट बेसिस। ऑन अ रोलिंग सेटलमेंट मींस ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। ऑन टी प्लस टू डे द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर्स और मेक द पेमेंट टू अदर ब्रोकर। पहले क्या हुआ है, जिसने खरीदे हैं उससे पैसा लिया गया है टी प्लस टू में, क्योंकि एक तरफ अगर आपका ब्रोकर है तो दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का भी ब्रोकर है,
तो अब पैसा ब्रोकर को क्या होगा, ट्रांसफर होगा, या शेयर्स जो हैं वो ब्रोकर को क्या होंगे, ट्रांसफर, अगर आप शेयर बेच रहे हो। अगर आप खरीद रहे हो तो पैसा दूसरे ब्रोकर को ट्रांसफर होगा, वो अपने क्लाइंट को आगे क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। सो दिस इज द फाइनल स्टेप हियर, डन। पे इन डे का मतलब क्या है, एक पार्टी से पैसा लेके एक ब्रोकर तक पहुंचा, अब वो ब्रोकर दूसरे ब्रोकर को वो पैसा या शेयर्स क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और इसे बोलते हैं पे आउट डे। पहले आपके क्लाइंट ने, फॉर एग्जांपल मैंने अपने ब्रोकर को पैसा दिया या शेयर्स दिए अपने डीमैट अकाउंट में से, माइनस हो गए, अब दूसरे को जब जाएगा वो पैसा, तो उसे हम बोलते हैं पे आउट डे। तो आपको पे इन डे और पे आउट डे के बारे में पता होना चाहिए, राइट। द ब्रोकर विल मेक द डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन द डीमैट फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट। दूसरा जो ब्रोकर है वो अपने इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में से शेयर्स दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज डीमैट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू टेक द डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन हिज बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। तो आपको अपना डीमैट अकाउंट की डिटेल अपने डीपी ब्रोकर को और बैंक को बतानी होती है, ठीक है, और वहां से वो आपके अकाउंट में शेयर प्लस कर देंगे, और अगर आप बेच रहे हैं तो वहां से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सो दीज आर द 8 स्टेप्स, वेरी इजी स्टेप, द होल ऑफ द प्रोसीजर इज ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से ये सारा सिस्टम चलता है और आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स खरीदते और बेचते हो, ठीक है। सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर, नाउ वी हैव टू टेक आवर फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक में ऑर्गेनाइजिंग तक हमारा टर्म वन में जा चुका है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्टाफिंग। हम लोगों ने अगला चैप्टर स्टार्ट करना है स्टाफिंग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आई हैव टू अरेंज द 5 फंक्शंस इन अ सीक्वेंस, एंड एट 3rd नंबर वी हैव स्टाफिंग। उसके बाद हमारा डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, मतलब इस चैप्टर को मिला के हमारे पास 3 चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर बहुत लेंथी हैं, दैट इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज ऑफ वेरी लिटिल, उसमें 3-4 टॉपिक ही हैं, ठीक। सो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो प्लानिंग वाज पार्ट ऑफ माय फर्स्ट टर्म, वेयर बाय वी वर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, वी वर फ्रेमिंग द पॉलिसीज, वी वर मेकिंग द स्ट्रेटजीज एटसेट्रा टू अचीव आवर सेट गोल्स। देन duties were being allocated between our subordinates, we were establishing the superior subordinate relationship which we were calling organizing, right. Now we have arrived at the 3rd step of, or 3rd function of our management which we call staffing. Duty list ban gayi, chalk out ho gaya, kya achieve karna hai, ab जिन्होंने वो काम करना है उन बंदों को अपॉइंट करना है। सो स्टाफिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द वेकेंट पोजीशंस आर बीइंग फिल्ड, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में खाली पोजीशंस हैं उन्हें फिल करना, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पर्सन को अपॉइंट करना। इफ यू आर रनिंग अ न्यू कंसर्न, यू विल बी अपॉइंटिंग द न्यू पर्सन, एंड इफ यू आर रनिंग अ ओल्ड कंसर्न, तो अगर आपके कुछ लोगों की प्रमोशन हो गई है तो लो लेवल पोस्ट खाली हो गई है उन्हें फिल करिए, या कुछ की रिटायरमेंट हो गई है तो जो पोजीशन वो खाली करके गए हैं या छोड़ के गए हैं आपने उसे भी फिल करना है। सो ये दिस होल प्रोसेस इज बीइंग नेम्ड एज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंश्योर्स दैट राइट पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड एट राइट टाइम। उस जॉब को करने के लिए हमें किस क्वालिफिकेशन के बंदे की जरूरत है, यू विल बी publishing the advertisement, you will be conducting the interview, then you will be issuing appointment letter to them, and then you will be training them for your work. This whole process we will be reading in this chapter. Means इस chapter में हम interview के बारे में पढ़ेंगे, means इस chapter में हम उनके written test के बारे में पढ़ेंगे, कैसे panel के सामने हम उस बंदे को बिठाते हैं, discussion होती है और उस बंदे को final appointment letter दिया जाता है। After getting the appointment letter, he or she joins the concern, तो कुछ दिन उन्हें training दी जाती है in order to teach them the new work culture. So about this whole we will be reading in this chapter which we call staffing. Very, very important function of management. Staffing का main मकसद क्या है? आपको हमेशा best candidate क्या करना है? Select करना है. Best के इलावा आप किसी और level पे compromise नहीं करेंगे. So whatever applications you are getting when you are publishing the advertisement for filling one of your vacant position in your organization, you will be going with the best.
आपने हमेशा बेस्ट कैंडिडेट की क्या करनी है, सिलेक्शन. सो दिस चैप्टर इज डीलिंग विद टू प्रोसेसेस. वन इज व्हाट, स्टाफिंग प्रोसेस इटसेल्फ, एंड अनदर प्रोसेस वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस. सो स्टाफिंग प्रोसेस इन इटसेल्फ इज अ वाइडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स इन इटसेल्फ सिलेक्शन प्रोसेस. तो दो तरह के प्रोसेस हम लोगों ने पूरे चैप्टर में करने हैं, ठीक है. फॉर दिस यू हैव टू गेट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक, principles and nature and significance of management. तो management के third function पे हम लोग पहुंच गए हैं, that is what we call staffing.